दुर्ग नगर निगम ने बाजारों में प्रतिबंधित पॉलिथीन व प्लास्टिक को लेकर चलाया अभियान। वहीं लापरवाही बरत रहे 13 दुकानदारों पर कार्रवाई कर वसूला 900 रुपए का जुर्माना। प्रतिबंधित पॉलीथीन व प्लास्टिक को लेकर दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत दुर्ग नगर निगम की टीम ने इंदिरा मार्केट व ट्री बाजार में दबिश दी और 13 दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए 900 रुपए जुर्माना वसूला। आयुक्त हरीश मंडावी ने स्वास्थ्य विभाग व बाजार विभाग की टीम को 75 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत निगम के अधिकारी द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।